अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSIT न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक, पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। FSIT सिक्योरिटी सिस्टम्स, वी प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ CCTV कैमरा सेल्स एंड सर्विसेज इन होलसेल प्राइसेस। FSIT सिक्योरिटी सिस्टम्स अपोजिट चाचा बुटा मस्जिद महबूब। मस्जिद नासिर साले बिन मोहम्मद अहले हदीस में ईद की मुनासिबत से तारुफ इस्लाम प्रोग्राम मोरखत 30 अप्रैल बरोज़ ईद पर मीर नासिर साले मस्जिद अहले हदीस शाह साहब गुट्टा महबूब नगर में ईद की मुनासिबत से तारुफ इस्लाम का एक प्रोग्राम बनाम ईद मिलाप मुनाकिद हुआ। इस प्रोग्राम में तौहीद रिसालत आखिरत का मुख्तसर सा तारुफ मुख्तलिफ बयान की शक्ल में पेश किया गया, जिसमें गैर मुस्लिम बरादरान वतन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का वाहिद मकसद ये है कि बरादरान वतन तक दीन इस्लाम का सही पैगाम पहुँचाया जाए और जो गलत फहमियाँ इस्लाम के मुतालिक इनके जहनों में हैं इन्हें दूर किया जा सके। इस मौके पर तेलुगु और अंग्रेज़ी में शाय मुजर्रब दुआओं की किताबें तकसीम की गईं। इस मौके पर मुकर्ररीन ने तेलुगु और अंग्रेज़ी में बयानात के ज़रिए बल मुशाफा बरादरान वतन तक दीन इस्लाम का तारुफ पेश किया और इनके शबहात का अजाला किया। इस मौके पर मोहम्मद नेमतुल्ला सदर सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना, अबू ताहिर सिद्दीकी, अब्दुल नईम सिद्दीकी, मोहम्मद मुश्ताक इमाम के अलावा दिगर मुबल्लिगीन, उलमा अकराम, वॉलंटियर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీమ్. ఈరోజు ఈ మస్జిద్ నందు చేస్తున్నటువంటి ఈ ఈద్ మిలాప్ ప్రోగ్రాం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, నేడు మన సమాజంలో ఉన్నటువంటి హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవ అన్న భేదభావం లేకుండా మానవులందరూ ఒకే జంట సంతానమని, సర్వ మానవులంతా ఐకమత్యంగా శాంతియుతంగా కలిసిమెలిసి ఉండాలి అన్నది ఈ ముఖ్య ఈ ప్రోగ్రాం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అదేవిధంగా నేడు మన సమాజంలో ముస్లింల పట్ల ఇస్లాం పట్ల ఉన్నటువంటి ఈ దుష్ప్రచారాలు ఏదైతే అపోహలు ఉన్నాయో అవి కూడా తొలగించి హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవు యొక్క ఐక్యతకు ఈ ప్రోగ్రాం ఎంతగానో సాటిపడుతూ సమాజంలో నేడు దూరమైనటువంటి శాంతి సామరస్య భావాలను పెంపొందించి తద్వారా ఒక మంచి సమాజాన్ని ఉన్నతమైన సమాజాన్ని నెలకొల్పాలని ఈ ప్రోగ్రాం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नासिर साले बिन हमूद अहले हदीस शाह साहब गुट्टा महबूब नगर में एक ईद की मुनासिबत से एक एग्ज़िबिशन की तरह एक प्रोग्राम रखा गया है कि जिसमें तौहीद का तारुफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ, रिसालत का तारुफ, आखिरत का तारुफ, इंसानियत की तख्लीक, उसका मकसद, दुनिया का अंजाम और आखिरत में जन्नत और दोज़ख़ का तारुफ मुख्तलिफ बैनर्स के ज़रिए रखा गया है, जिसमें गैर मुस्लिमीन कसीर तादाद में उन्होंने शिरकत की और उनको तौहीद, रिसालत और आखिरत का पैगाम उन तक पहुंचाया गया. अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी के मुशाबहत नहीं है. इसमें सिर्फ़ और सिर्फ क़ुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक दीन का पैगाम बरादरान वतन तक पहुँचाने की कोशिश की गई है. इसका एक अहम मकसद ये है कि बरादरान वतन के दिमागों में, उनके जहन में इस्लाम के मुतालिक जो गैर ज़रूरी बातें फैलाई जा रही हैं, उनके शुभात जो उनके जहनों में डाले जा रहे हैं, उसको दूर किया जाए.
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद नासिर साले अहले हदीस शाह साहब उट्टा महबूब नगर में एक प्रोग्राम रखा गया है। इससे पहले भी एक विजिट में मस्जिद वो प्रोग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रहा। ये जो हमारे बरादर वतन जो हैं हमारे मस्जिद में क्या होता है, मस्जिद में क्या करते हैं, ये सब चीज़ उनको बताने के लिए और तौहीद रिसालत आखिरत ये सारे चीज़ें ये पोस्टरों के ज़रिए उनको जो है समझाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में लोग नॉन मुस्लिम्स यहाँ पे आए हैं, जमा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको पैगाम पहुँचाए हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। एएन ट्रेडर्स डीलर इन एशियन पेंट्स ऑल पेंट्स एंड हार्डवेयर वॉलपेपर रिलेटिव मटेरियल अवेलेबल होलसेल एंड रिटेल किसानपल्ली रोड महबूब नगर एएन ट्रेडर्स। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।